श्री श्री अघोरी पीरसा नरसिंह महाराज के आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये वो अघोरी संत हैं जिनके बारे में अक्सर हम सुनते थे कि अघोरी साधु कैसे होते हैं, लेकिन आज हमारा ये सौभाग्य रहा है कि जब हम देव दर्शन के माध्यम से इस क्षेत्र में निकले तो ये राडबर का चौराहा है जहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ पर एक संत विराजमान हैं। इनके बारे में बताना असंभव है, कोई बता नहीं सकता, लेकिन हमने जो देखा पिछले 20 मिनट में और जो इनके बारे में सुना वो ये है कि आपको भोजन किए हुए कई वर्ष हो गए, या भोजन के नाम पे आप ऐसा छोटा मोटा कुछ फलाहार लेते हैं, स्नान आपने किए हुए वर्षों हो गए, आपको स्नान नहीं करते हैं, स्नान के नाम पे ये भभूति लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, ऐसा बताते हैं कि लोगों की पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी परेशानियों को ये दूर करते हैं। मैंने भी देखा यहाँ बहुत देर से कई लोग आए, कई लोगों को आशीर्वाद दिया। यहाँ इनके भक्त हैं, ये पुराने साधु हैं, 80-85 साल इनकी उम्र बताते हैं, लेकिन अघोर क्रिया करते हैं। अघोर क्रिया में तो हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम शरीर की शुद्धि कहते हैं वो शुद्धि हमारी सांसारिक लोगों की है, लेकिन ये आत्मा की शुद्धि की पराकाष्ठा तक रहते हैं। मैं इनको श्री पीरसा अघोरी पीरसा नरसिंह जी महाराज, यहाँ रहने के लिए ये किस तरह का कम्बल है। अघोरी की माया को अघोरी जानते हैं, हमको हम जान भी नहीं पाएंगे, सामान्य ज्ञान से हम नहीं जान सकते, लेकिन अघोरी जो शिव की साधना में रहते हैं, जो उस कृपा में रहते हैं, जो कृपा करते हैं, वो सब एक तरह से उनकी महिमा है। आज जब मैं भी आया तो मुझे भी ये इस तरह का प्रसाद दिया। एक बात हम जरूर कहेंगे, जो 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 संसार जिस ढर्रे से चलता है अघोरी उसके बिल्कुल विपरीत चलता है। संसार जिसको गंदगी कहता है अघोरी उसको पवित्रता कहता है, और संसार जैसे जिसको कहते हैं अघोरियों के बारे में हम अभी जैसा इनके भक्त बता रहे थे कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कई बार ये इनको बैठा के ले जाते हैं, हवाई जहाज में भी इनको लेके गए, लेकिन इनका ये यही स्वरूप रहता है, इनका स्वरूप कभी बदलता नहीं। ये इसी अवस्था में बैठते हैं, इसी अवस्था में सो जाते हैं। क्या इनकी साधना चलती है ये तो या तो परमात्मा जानता है या ये जानता है, लेकिन ये धूणा चैतन्य रहता है। धूणे पे यहाँ हम देख सकते हैं भैरव बड़े प्यार से इनके आसपास ही रहते हैं, और यहाँ इनका चेला है, चेले जी हैं, इनसे भी हैं, आप भोपा जी हैं, आप भोपा जी हैं जो यहाँ विराजते हैं। भोपा जी आप कुछ बताएंगे, क्या कहेंगे बापसी हैं जी? बापसी बड़े बाबा, हाँ 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 देखिए, संसार से इनको कोई मतलब नहीं है, संसार अपनी मस्ती में जीता है और ये अपनी मस्ती में जीते हैं, इनका एक अलग ढंग है। आज हमको दर्शन हुए, इस बात के लिए हम बड़े खुश भी हैं कि हम अगर संतों के, क्योंकि जो अंदर जो चलता है, जिसको हम सोहं का जाप कहें, जिसको हम परमात्मा कहें, जिसको आत्मा कहें, वो एकदम अलग चीज़ है, और ये जो संसार का जो बाहरी रूप दिखता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। भाई यहाँ भक्त बता रहे हैं, भोपा जी बता रहे हैं कि ये पूना बम्बई दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इस संसार में वो कोई भी ऐसा जो सांसारिक प्राणी है उसको किसी न किसी तरह का कर बॉम्बे जयपुर अहमदाबाद दिल्ली से भी आते हैं, और वापसी दिल्ली जी 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 जयपुर। तो वापसी स्नान नहीं करते हैं? नहीं करता, कदे नहीं की दो?
आपने कभी स्नान नहीं किया? ना, मेरा जॉन का ही नहीं, किसान के लिए। अच्छा, और यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल। 10 साल यहाँ, उससे पहले कहाँ? हमारे साथ में ये बनिया है। चलिए, वापसी का इशारा हम शायद नहीं समझेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि संसार से इनको कोई मतलब नहीं, लेकिन संसार के कष्टों के लिए ये जरूर आशीर्वाद देते हैं। मैं वापसी श्री 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 1008 श्री ठीक, वापसी आपका आशीर्वाद मिल गया हमको। ठीक है, ठीक है, जो वो बोलो, भगोरी पीरसा नरसिंह महाराज की जय। जोड़ो बुढ़िया बाबा की जय। एक और भक्त आए हैं जो इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। जय हो, जय हो। ये एक सामान्य भक्ति है जो हमको दिखती है, और लेकिन इनका जीवन सच में हमको कभी नहीं समझ पाएंगे संसारी लोग। हाँ, ये देखो। चलो, मैं मेरी बात को विराम देता हूँ, लेकिन ये एक भारतीय संत की महिमा को शायद हम कभी जाएंगे, जान पाएंगे नहीं। ये देखो, ये श्रद्धा है, क्योंकि एक अघोरी संत का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है उसका कल्याण होता है। ये थोड़ा हम देखते हैं, चल अखंड रहता है, और यहाँ कोई बैक्टीरिया काम नहीं करते। कोई हम आप सोच नहीं सकते कि कभी कोई जीवन में स्नान नहीं किया वो साधु कैसे रहेगा। लेकिन अघोरी होता है वो, जिसको हम घोर कहेंगे, अघोरी बिल्कुल विपरीत होता है। सबसे सबसे पवित्र जिसको हम कहेंगे वो एक अघोरी साधु हो सकता है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। मैं देवनगरी के देवदर्शन सिरोही टेम्पल्स के मार्फत इन अघोरी संत को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और संसार के ऊपर ऐसे अनंत अघोरी साधु, ऐसे अनंत दिव्य साधु हैं जो भजन में लीन रहते हैं, जो आनंद में लीन रहते हैं, जिनके लिए कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। नमन, जय अघोरी बाबा।